तो हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हो गया मेरा 7वां दिन और ये 7 दिन में मैंने जो जो अचीव किया है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा मुझे। मतलब आई फील आई एम एनर्जेटिक, आई एम एक्टिव। बहुत ही मज़ा आ रहा है। सच बताऊँ तो मेरा जो पीठ का दर्द है वो गायब हो गया। मेरे जो टांगों का दर्द जो चल रहा था, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया था पहली बार एक्सरसाइज, पहला 2-3 दिन तो इतना दर्द था, एक दिन मेरे को छोड़ना पड़ा बीच में। छोड़ा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत चला, लेकिन फिर भी मेरे को वापस आना पड़ेगा, मेरे से नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद अभी जो है आज का दिन, मेरे को टांग का अभी जो दर्द है वो नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी सब चीज़ जो है, मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, इट इज़ अमेजिंग। आज का व्लॉग इधर से शुरू करते हैं। जितना दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सच बताऊँ तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है हर दिन बढ़ते जा रहा है। किसी लोगों ने सही बोला था, कंसिस्टेंसी इज़ द की। हर चीज़ के लिए जो भी आप करते हो, कंसिस्टेंसी होता है मेन चीज़। तो अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसको हर दिन करो। मतलब ये नहीं कि आज कर दिया, कल छोड़ दिया, फिर उसके बाद एक महीने के बाद करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन अगर मैं आज जॉगिंग के लिए भी जा रहा हूँ, यू नो, अगर मैंने 7 दिन कर लिया, वो मैंने अचीव कर लिया 7 दिन, तो अभी 30 दिन देख रहा हूँ, 30 दिन के बाद मैं 60 दिन देखूँगा, फिर उसके बाद हर दिन का देखूँगा मैं। तो ये कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दिस इज़ द की फॉर योर सक्सेस। जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो ब्लॉगिंग हो या वेट लॉस हो या कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में, तो ये कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान दें। और मुझे अच्छा भी लग रहा है जब मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ अभी, और मेरा जो कलर वलर जो मैंने आजकल जो मेरा क्वालिटी मिला मेरे को अचीव करके, वो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब इट्स आई फील प्राउड। सच बताऊँ तो आई फील रियली प्राउड। मैं जो चाहता था आज मुझे मिल गया। मतलब नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से मिला, बल्कि इतना कैमराज है मेरे पास, उससे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से मुझे ये मिला, समझ गया। तो अगर आगे जाके मेरे को अगर DSLR या किसी में भी जाना पड़े, आई कैन अचीव इट ईजिली, बिकॉज नाउ आई नो द प्रोसेस, हाउ टू डू इट, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें रहता है। और व्लॉग का जो कंटेंट है, आइडियाज़ है, और जो टॉपिक है वो कैसे करना है। टुडे व्हेन आई एम गोइंग फॉर माय वॉक्स एवरी डे, मुझे आइडियाज़ मिलने लग गया, बिकॉज व्हेन आई एम वॉकिंग आई एम थिंकिंग अलॉट, आज क्या करूँ मैं यार, आज क्या बनाऊँ। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और कुछ ऐसे मैं बकचोदी कर रहा हूँ, लेकिन देर आर वैलिड पॉइंट्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट टू यू, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए ट्रैफिक, मतलब बहुत सारे बच्चे जो उनके पेरेंट्स छोड़ने आ जाते हैं स्कूल कार में, और उसके साथ साथ ये पूरा स्कूल बसेस है इधर। तो आप समझ सकते हो कितना ट्रैफिक हो सकता है। तो आज से हम लोग जब काम पे निकलेंगे, 15-20 मिनट जल्दी निकलना पड़ेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ये 10-bit रिकॉर्डिंग करने से क्वालिटी तो अच्छा मिलता है, लेकिन फ़ोन जल्दी गर्म हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। यह है इधर का दुबई बस, ये देखिए। और यह है मेट्रो के लिए, जो ब्लू कलर का रहता है वो मेट्रो कनेक्ट करता है। जो भी मेट्रो से आते हो तो ये आपके लिए फ्री है। एक्चुअली मेट्रो टू आपका जो स्टेशन, कहाँ पे भी जाना आपको, ये फ्री है। और ये दुबई बस का जो टाइमिंग है ना, मतलब परफेक्ट टाइम पे आते हैं लोग। ऐसे नहीं कि एक सेकंड दो से, थोड़ा बहुत कभी कभी होता है, वो तो डेफिनेटली होता है, लेकिन जो टाइमिंग है इनका, ऑलमोस्ट टाइम टेबल मतलब बोले तो परफेक्ट। इवन मेट्रो, दुबई मेट्रो, ये लोग टाइमिंग अपना टाइम टेबल के हिसाब से आता है। और जितना भी बस स्टॉप है ना, वो बस स्टॉप में ये लोग टाइम रखा हुआ, इस टाइम पर ये बस आ रहा है, इस टाइम पर ये बस डिपार्चर हुआ, वो सब डिटेल है। और देखना आप, वही टाइम के हिसाब से आता है और वही टाइम के हिसाब से जाता भी है। बाय गॉड, सुबह का ट्रैफिक देखो, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, ये राउंड अबाउट पूरा ब्लॉक हो गया इधर से, और ये सब दुबई जा रहे हैं।
मतलब जितना भी लोग शारजा और शारजा के बॉर्डर में रहते हैं, क्योंकि इधर रेंट कम है, लेकिन सब काम करते दुबई। ये देखिए सब दुबई नंबर प्लेट। ये भीड़ देखो स्कूल के बाहर, भाई गॉड। और ये ट्रैफिक देखो, सब बच्चे लोग आ जा रहे, पेरेंट्स देखो छोड़ने आए स्कूल में और बाहर ही खड़े। ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट में मतलब डिपार्चर के लिए खड़ा रहता ना, वैसा लग रहा है। ये देखो इतने ट्रैफिक। आज लगता है घर पहुंचूंगा तो याविन ऑलरेडी उठ चुका होगा, पैम उसको उठा देगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गया था। एक्चुअली कल मैं बहुत जल्दी सो गया था, 5 बजे कुछ गेस्ट लोग आए थे, वो लोग जाने के बाद फिर पैम का क्लाइंट था, तो मैं सो गया, उधर ही सो गया मैं, मतलब 5, 5:30 बजे मैं सो गया था शाम को। और उसके बाद उठा मैं सुबह का 2:30 बजे 3 बजे कुछ, तो उस टाइम पर याविन भी उठ गया और बोल रहा है पापा ओ गुड मॉर्निंग। फिर मैं बोला यार सो जा अभी, टाइम भी हुआ अभी 3 ही बजे। ओ आई थॉट आई हैव टू वेक अप। अभी स्कूल शुरू हो गया, देखो याविन जा रहा है स्कूल अभी। इसका हालत टाइट हो रहा है, अभी सब बच्चे लोग अभी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, तो अभी याविन को स्कूल छोड़ के आ गया, और आज से शुरू, आज से जो भी मतलब ट्रैफिक रहेगा ना दुबई में, मतलब सुबह और दोपहर को, ये दो टाइम पे इतना ट्रैफिक होगा पूछो मत। स्कूल के जो है पेरेंट्स हैं, जो बच्चे लोग के पेरेंट्स हैं वो लोग छोड़ने आएंगे, प्लस उसके साथ स्कूल बसेस हैं, टीचर्स के जो यू नो कार होता है वो सब, अरे यार पूछो मत, बहुत ही हेडेक है। मेरे से आज एक लोचा हो गया, मैं सुबह जब वॉकिंग के लिए गया था और वापस आ रहा था, तो मैं रिकॉर्डिंग करने के टाइम पे मैं बटन रिकॉर्ड का दबाया नहीं, और उसमें से 2-3 क्लिप जो है जो स्कूल के बारे में बता रहा था मैं, उसका टाइमिंग ये वो बहुत कुछ चीज़ें बता रहा था मैं, इसी चल के मैं सोच रहा हूँ कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन बाद में देखा, मैं घर पर आके देखा, कंप्यूटर में डाल के देखा, तो पता चला भाई वो रिकॉर्डिंग है ही नहीं। और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग था, मतलब जो रिकॉर्डिंग बंद करने का था उसको रिकॉर्डिंग दबा दिया, तो ऑपोजिट हो गया, पोपट हो गया आज यार। आज है मंडे और हफ्ते का पहला दिन, और हम हैं घर पे, काम ही नहीं है, क्या करें, कोई कॉल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। पिछले 2 दिन पहले मैं एक्चुअली न्यूज़ में देख रहा था कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है इधर भी, एक्चुअली अभी हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है, दूध का, दही का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, हर चीज़ का जो है दाम बढ़ चुका है। मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा, 2 दिरहम से लेके 10 दिरहम तक दाम बढ़ चुका है चावल तक, आई मीन पूछो मत यार, बहुत ही एक्सपेंसिव हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है अभी, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी। अभी मुझे भी थोड़ा डर लगने लग गया, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है पिछले 2 महीने से बिल्कुल डाउन है, पिछले 2 महीने से, जब से छुट्टी शुरू हुआ है बच्चे लोग का स्कूल का, तब से बिजनेस पूरा डाउन है। मैं तो ये सोच सकता हूँ कि हाँ क्योंकि वेकेशन है तो पब्लिक नहीं है इधर, तो उसके कारण हो सकता है, यूजुअली हमारा बिजनेस डाउन जाता है इसमें, लेकिन अब देखते हैं ये सितंबर में, अब देखते हैं पहला महीना सितंबर का जो है, देखते हैं पहला हफ्ता जो है सितंबर का, देखते हैं कैसा चल रहा है, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं भाई। अभी मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा रेट्स बढ़ाऊँ, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेंसिव हो रहा है, पेट्रोल तो अभी नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, तो लेट्स सी दोस्तों। तो आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगा इसके ऊपर, यह है एपिक्सल 11-in-1 स्मार्टफोन लेंस किट। तो ये लेंस किट जो अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो वाइड एंगल लेंस जो है मैं इसी में से ही यूज़ कर रहा हूँ, इसका जो मेन लेंस है आईफोन 12 का, उसका मेन लेंस में मैं इसका जो है एक वाइड एंगल लेंस है वो लगा के मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये क्लैरिटी मिल रहा है। अगर मैं वाइड एंगल लेंस आईफोन का यूज़ करता डायरेक्टली, मुझे इतना क्लैरिटी नहीं मिलता, बहुत सारा नॉइज़ आता, नॉइज़ मतलब ये जो डॉट डॉट रहता है बहुत आता, क्योंकि जो मेन लेंस है वो 1.6 उसका अपर्चर है, वो बहुत फास्टेस्ट लेंस है आईफोन में। तो दिस हैज़ हेल्प मी, और जो ND फिल्टर मैंने बताया था वो भी मैंने इसमें से यूज़ किया था। तो नेक्स्ट व्लॉग जो है, कल का व्लॉग जो आने वाला है वो इसके ऊपर होगा, इसका रिव्यू दूंगा आपको, और इसका टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया रहेगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा ऐसा व्लॉग्स बनाने के लिए हर दिन, और मैं आप लोग को हेल्प करूंगा इन रिटर्न, जितना भी YouTube वीडियोस बनाना है, YouTube वीडियोस कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी। एंड मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद,
धन्यवाद।